वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वेब। स्टडी वेब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, हम फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे, तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड दो वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो आप इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर से पहले वो लेक्चर जरूर देखें, तब आपको इस लेक्चर या लेक्चर समझ में आएगा। तो हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जो फंडामेंटल मौलिक अधिकार है वह हमारे संविधान के पार्ट 3 में रखा गया है और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया। तो इसमें हम आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 14-15 ये आर्टिकल्स हम डिटेल्स में पढ़े थे। तो जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी, वो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी के बारे में चर्चा किया गया, जिसमें हम आर्टिकल 14 और 15 डिटेल्स में पढ़ लिए हैं। और आज हम स्टडी करेंगे आर्टिकल 16, 17 एंड 18 के बारे में। आर्टिकल 14 में हम देखे थे ईबीएल एंड ईपीएल का कंसेप्ट देखे थे, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हम देखे थे 14 में कि जो कानून है वो सर्वोपरि है, मतलब कानून, लॉ जो है कानून सबके लिए क्या है, बराबर, जो हम आर्टिकल 14 में डिस्कस किए थे। आप यदि नहीं देखे तो आप पहले वाला लेक्चर जरूर देखें। आर्टिकल 15 में हम देखे थे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। संविधान जो फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 15, इसमें बताया गया है कि स्टेट, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उनका रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स था जिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन ये पांच जो पॉइंट था इसके आधार पे हम किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, जो कि आर्टिकल 15 बताता है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट और देख लेते हैं कि जो आर्टिकल 14 है वो राइट टू इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बताता है। लेकिन वहीं पे हम आर्टिकल 15 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 15 है वो भी इक्वालिटी के बारे में चर्चा करता है, लेकिन आर्टिकल 14 एक वृहद रूप है राइट टू इक्वालिटी का, एक विस्तार रूप है राइट टू इक्वालिटी का। आर्टिकल 15 को हम आर्टिकल 14 के अंतर्गत रख सकते हैं और आर्टिकल 16 को हम आर्टिकल 15 के अंतर्गत रख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 के बारे में, तो यह कॉन्सेप्ट भी आप मोटा मोटी याद रख सकते हैं। आर्टिकल 16 कहता है, जैसे कि देखिए आर्टिकल 14 क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने में हर कोई व्यक्ति क्या है, बराबर है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं इन आधारों पर। और आर्टिकल 16 करेगा बात पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बात करेगा आर्टिकल 16। तो हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 16 एक छोटा सा रूप है आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए आप जो वन डे एग्जाम होता है या जो छोटा एग्जाम होगा उसमें यह कंसेप्ट, यह लाइन दे देगा कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट किस आर्टिकल को बताता है, तो आपको याद रखना चाहिए आर्टिकल 16 बताता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो भी सरकारी एम्प्लॉयमेंट होता है, जो भी सरकारी रिक्रूटमेंट होता है, उसके लिए हर एक व्यक्ति को इक्वालिटी मिलना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 16 कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब सरकारी नौकरी जितना भी है, उसके लिए हम किसी भी व्यक्ति को इन आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कौन सा आधार होगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस, मतलब इन सब आधारों पर हम किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, आर्टिकल 16 कहता है। इसके अलावा हम डिस्क्रिमिनेशन कुछ अलग पॉइंट्स पे कर सकते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन मिला हुआ। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी में 100 रिक्रूटमेंट निकला, तो इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ सीट को रिजर्व कर देंगे कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए। मान लीजिए कि इसमें से हम 30 सीट को क्या किए, रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दिए। तो जो 30 सीट होगा इसमें सिर्फ जो भी कैटेगरी के लिए रिजर्व कर किया गया है वही व्यक्ति इसमें
जॉब ले सकता है या जो 30 पोस्ट है उसी व्यक्ति को दिया जाएगा, लेकिन जो 70 पोस्ट बच गया है वह पोस्ट हर एक व्यक्ति के लिए एलिजिबल होगा। यही कंसेप्ट होता है रिजर्वेशन का। उसके बाद हम पढ़ते हैं मंडल कमीशन के बारे में। देखिए मंडल कमीशन जो है सो ओबीसी रिजर्वेशन का ही एक सेकेंड दूसरा रूप था, और मंडल कमीशन अपॉइंटमेंट किया गया था मोरारजी देसाई के सरकार में 1979 में मंडल कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था। और इसके जो कमीशन था उसके चेयरमैन थे बीपी मंडल इनका चेयरमैन था, इसलिए हम इस कमीशन को मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। देखिए एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि जो भी कमीशन होता है, जितने भी कमीशन अपॉइंटमेंट किया जाता है और इस कमीशन के जो भी चेयरमैन होते हैं तो उसी चेयरमैन के नाम से हम उस कमीशन का नाम रख देते हैं। जैसे कि इस कमीशन का जो चेयरमैन था उसका नाम था बीपी मंडल, जो कि पार्लियामेंट के मेंबर थे, तो इन्हीं के नाम पर हम रख दिए मंडल कमीशन। जैसे आप इतिहास में बहुत सारा ऐसे कमीशन पढ़े होंगे, साइमन कमीशन, तो जो कमीशन था उसका जो चेयरमैन थे सर जॉन साइमन था, तो उन्हीं के नाम पे हम इस कमीशन का नाम रख दिए साइमन कमीशन, तो इस हिसाब से रखा जाता है। तो मंडल कमीशन अपॉइंटमेंट किया गया और इसका जो मेन काम था वो इसे काम दिया गया कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए सोशियली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को। मंडल कमीशन का यह काम था कि कितने ऐसे कास्ट है, कितने ऐसे जाति है जो कि सामाजिक रूप से और एजुकेशनली मतलब शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ जाति है। यह काम किसका था? मंडल कमीशन का, इन्वेस्टिगेट करने का। मंडल कमीशन पूरे इंडिया में ट्रेवल किया और उसने 1980 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया, और उसके रिपोर्ट के अनुसार टोटल 3743 मतलब 3747 ऐसे जाति थे, ऐसे कास्ट थे जो कि सोशियली और एजुकेशनली बैकवर्ड था। तो मंडल कमीशन के द्वारा बोला गया कि टोटल 3743 ऐसे जाति हैं जो कि सोशियली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, और इनको एडवांसमेंट, इनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए हमें रिजर्वेशन की जरूरत होगी। रिजर्वेशन मतलब कुछ सीट रिजर्व करना पड़ेगा, यह मंडल कमीशन का रिपोर्ट था। फिर मंडल कमीशन के द्वारा यह बोला गया कि टोटल 27% सीट रिजर्व किया जाए गवर्नमेंट जॉब के लिए। किसके लिए? ये ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी मतलब जो भी बैकवर्ड क्लास के जितने भी सदस्य थे जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास था, उसके लिए 27% सीट रिजर्व किया गया, मंडल कमीशन का यह रिकमेंडेशन था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, इससे हम पिछले बारे लेक्चर में देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा न होना चाहिए। 50% का मतलब क्या हो गया कि रिजर्वेशन में कौन कौन चीज आएगा? एससी आएगा, एसटी आएगा और ओबीसी आएगा। ठीक है, तो इस सब के लिए रिजर्वेशन टोटल 50% ही होना चाहिए। 50% का मतलब कि मान लीजिए कि टोटल यदि रिक्रूटमेंट 100 सीटों पे निकला है तो इनमें से 50 सीट रिजर्व होगा रिजर्व कैटेगरी के लिए और 50 सीट रिजर्व अनरिजर्व रहेगा। ठीक है, तो यह हो गया 50%, मतलब 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था। उसके बाद 1980 में इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था और 1990 में बीपी सिंह गवर्नमेंट के द्वारा इस रिकमेंडेशन को अप्लाई कर दिया गया, मतलब 27% जो रिजर्वेशन दिया गया था उसे डिक्लेयर कर दिया गया जॉब के लिए, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए उसे रिकमेंडेड कर दिया गया, उसे उस आरक्षण मतलब जो सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण घोषित कर दिया गया। ठीक है, 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट बनता है, 1991 में नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उसके द्वारा दो चेंजेस किया जाता है इन रिजर्वेशन में। अब हम दो चेंजेस देखते हैं कौन कौन से। पहले जो 27% रिजर्वेशन दिया गया था यह दिया गया था सोशली एंड एजुकेशनली, मतलब जो व्यक्ति सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको यह रिजर्वेशन दिया गया 27%। लेकिन जो नरसिम्हा राव सरकार आया उसमें बोला गया, पहला रिकमेंडेशन दिया गया कि जो ये 27% रिजर्वेशन होगा यह आर्थिक रूप से होना चाहिए। आर्थिक रूप का मतलब क्या हो गया कि जितने भी जाति हैं, कौन जाति? जो कि ओबीसी रूप थे मतलब पिछड़ा हुआ जाति था, तो कितनी जाति थे? जो 3743 जाति थे, जितनी भी पिछड़ा हुआ जाति है इसमें जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है मतलब
जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड है उसे 27% सीट दिया जाएगा, मतलब 27% रिजर्वेशन कोटा दिया जाएगा। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में यह बोला गया कि इसके अलावा जो भी अपर कास्ट है, ये जो 3743 कास्ट था जिसमें हम 27% रिजर्वेशन दिए थे, ये तो पिछड़ा जाति था, मतलब लोअर कास्ट था। लेकिन उसके बाद दूसरा पॉइंट में नरसिम्हा राव के द्वारा बोला गया कि जो भी अपर कास्ट है उसमें भी गरीब व्यक्ति है, तो उसके लिए, उन गरीब व्यक्तियों के लिए 10% सीट रिजर्व किया गया, किया जाए। ठीक है, यह किसके द्वारा बोला गया? नरसिम्हा राव के द्वारा बोला गया कि रिजर्वेशन ऑफ अनदर 10% ऑफ जॉब्स फॉर इकोनॉमिकली बैकग्राउंड सेक्शंस ऑफ हायर कास्ट। आपको यहाँ पे याद रखना है हायर कास्ट के द्वारा। तो इसी इस केस को चुनौती दिया गया 1992 में। यह केस भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट में इस केस को चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जो 10% वाला केस था उसे रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब 10% जो रिजर्वेशन था हायर कास्ट में उसे रिजेक्ट कर दिया गया और इस रिकमेंडेशन को मान लिया गया। ठीक है, तो आपको यह पॉइंट याद रखना है। लेकिन बाद में अभी पीएम मोदी गवर्नमेंट में यह 10% जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस था हायर कास्ट में उसे 10% रिजर्वेशन दिया गया। ये था हम आर्टिकल 16 के बारे में पढ़े थे। अब देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बात करता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता का अंत। अनटचेबिलिटी क्या होता है? देखिए, हमारे समाज में बहुत ही रूढ़िवादी धारणाएं चलती है, मतलब कुछ अपर कास्ट है और कुछ लोअर कास्ट है। आप समझ सकते हैं, आपको पता होगा कि अपर कास्ट का मतलब क्या हो गया, लोअर कास्ट का मतलब क्या हो गया। मैं कास्ट का नाम नहीं लूंगा, तो अपर कास्ट और लोअर कास्ट हो गया। तो जो भी अपर कास्ट के व्यक्ति हैं वो लोअर कास्ट को एक मतलब हीन भाव से देखा जाता था पहले, अभी भी देखा जा रहा है, तो इसे इन अनटचेबिलिटी कहते थे। तो इसी अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब के द्वारा ये अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट लाया गया और बोला गया कि अनटचेबिलिटी को खत्म करो, अनटचेबिलिटी को हटाओ, आर्टिकल 17 के तहत, आपको याद रखना। तो सबसे नेक्स्ट पॉइंट है कि अनटचेबिलिटी जो है सो हमारे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? देखिए, समय समय के अनुसार जो अनटचेबिलिटी का जो परिभाषा है वो चेंज होते रहता है। जैसे हम शुरुआत में देखें तो अनटचेबिलिटी का मतलब क्या था कि जो लोअर कास्ट का जो व्यक्ति है वो जिस थाली में खाएगा उस थाली में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खाएगा। जो लोअर कास्ट का व्यक्ति है वो अपर कास्ट के व्यक्ति के नीचे बैठेगा, मतलब अपर कास्ट वाला व्यक्ति यदि किसी चेयर पे बैठा है तो जो लोअर कास्ट वाला व्यक्ति होता था वो जमीन पे बैठेगा। इसे सामने सामने बैठने का अधिकार नहीं था, यह पहले ऐसा अनटचेबिलिटी था। उसके बाद किसी भी लोअर कास्ट के व्यक्ति कोई अपर कास्ट वाले व्यक्ति के घर के अंतर्गत नहीं जा सकता था। तो यह अस्पृश्यता का डेफिनेशन शुरुआत में था। लेकिन जो जो समय चेंज हुआ वो क्या हुआ कि अस्पृश्यता का जो डेफिनेशन था वो भी चेंज हो गया, मतलब कोई अपर कास्ट वाला व्यक्ति यदि किसी लोअर कास्ट वाले व्यक्ति को यदि उसके जाति के नाम से भी बुला लिया जाएगा तो भी यह अनटचेबिलिटी एक्ट का विरोध होगा, मतलब अनटचेबिलिटी कानून का विरोध होगा। तो इसलिए जो परिभाषा है वो छोड़ दिया गया पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के लिए कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट टाइम चेंज होने पे इस अनटचेबिलिटी को डिफाइन करें। ठीक है, उसके बाद यह नेक्स्ट पॉइंट है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ये आपको एक्ट याद रखना है 1955 का एक्ट। 1955 में एक एक्ट पास किया गया जिसके तहत अनटचेबिलिटी को रोका जाए और जो भी व्यक्ति के ऊपर में अनटचेबिलिटी एक्ट लगा होगा तो वह कानून के लिए मतलब उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति यदि अनटचेबिलिटी का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई में क्या बोला गया था कि उस व्यक्ति को 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 6 महीने का जेल हो सकता है या ₹500 जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 1955 एक्ट में यह भी बोला गया था कि किसी भी व्यक्ति पे यदि अनटचेबिलिटी एक्ट लग जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इलेक्शन से, किसके, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब वह संसद और राज्य विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि अनटचेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर में अनटचेबिलिटी एक्ट लगाया गया। तो पहला पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को वर्शिप करने से, मतलब पूजा करने से नहीं रोका जा सकता। मतलब मान लीजिए कि कोई अपर कास्ट व्यक्ति है, किसी लोअर कास्ट व्यक्ति को किसी मंदिर में जाने से रोकता है या उसे पूजा करने से रोकता है, तो उस अपर कास्ट व्यक्ति पे अनटचेबिलिटी एक्ट लगाया जा सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति यदि पारंपरिक ढंग से धार्मिक रूप से या दार्शनिक रूप से किसी भी अनटचेबिलिटी को बढ़ाता है तो भी उसके ऊपर में अनटचेबिलिटी एक्ट लगाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को दुकान में जाने से, शॉप जाने से, होटल जाने से एंड कोई भी एंटरटेनमेंट प्लेस क्या हो गया, जैसे कि सिनेमा हॉल हो गया, तो इन सब जगह पे यदि जाने से लोअर कास्ट वाले व्यक्ति को रोकता है तो उसके खिलाफ में भी अनटचेबिलिटी एक्ट लगाया जा सकता है। उसके बाद है कि कोई भी व्यक्ति यदि शेड्यूल कास्ट वाले व्यक्ति को, शेड्यूल कास्ट मतलब हो गया जो लोअर कास्ट है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब वाले व्यक्ति को इंसल्ट करता है उसके जाति के नाम से, तो भी उसके ऊपर अनटचेबिलिटी एक्ट लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जाने से रुकता है किसी को, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्टल्स हो गया, होटल्स हो गया, तो इस सब में यदि जाने से किसी भी व्यक्ति को रोकता है तो उसके ऊपर में अनटचेबिलिटी एक्ट लगाया जा सकता है। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यदि कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी को, एस्प्रिसेटा को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रीचिंग करता है, मतलब प्रचार प्रसार करता है अनटचेबिलिटी को, तो उसके खिलाफ में भी अनटचेबिलिटी एक्ट लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी को सामान बेचने से रोकता है, किसी लोअर कास्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को, तो उसके खिलाफ में भी अनटचेबिलिटी एक्ट लगाया जा सकता है। यह बोला गया था अनटचेबिलिटी एक्ट 1955। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि जो आर्टिकल 17 है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का मतलब क्या हो गया, इच एंड एवरी जितने भी पीपल इंडिया में, जितने भी व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति के लिए आर्टिकल 17 एलिजिबल है। जो भी लोअर कास्ट, देखिए जो अनटचेबिलिटी था वो मेनली लोअर कास्ट के लिए है, ऐसा नहीं है कि कोई अपर कास्ट वाले व्यक्ति अस्पृश्यता का शिकार हो। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का शिकार कौन हुआ है, लोअर कास्ट वाला व्यक्ति, चाहे शेड्यूल मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाला व्यक्ति अस्पृश्यता का शिकार हुआ है। तो इस कास्ट के जितने भी व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति के लिए आर्टिकल 17 अवेलेबल है। यदि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कोई भी लोअर व्यक्ति, मतलब कोई एक व्यक्ति, चाहे किसी भी अपर कास्ट वाले व्यक्ति के खिलाफ में, तो अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत वो उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई कर सकता है, यदि उस व्यक्ति के द्वारा, अपर कास्ट वाले व्यक्ति के द्वारा लोअर कास्ट वाले व्यक्ति का मतलब अपमान किया गया हो, तो उसके जाति का अपमान किया गया हो। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला था कि सुप्रीम कोर्ट यह बोला कि आर्टिकल 17 जो है सो हर एक निजी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी बोला गया कि यह स्टेट का काम है कि यह आर्टिकल 17 जो है उसको वायलेट करे, मतलब आर्टिकल 17 सुचारू रूप से, मतलब स्टेट राज्य का काम है कि आर्टिकल 17 को वायलेट करे, मतलब आर्टिकल 17 का उल्लंघन न हो, यह राज्य का काम है। तो यह था आर्टिकल 17 के तहत। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि टाइटल्स क्या होता है। जैसे कि यदि हम पहले देखें, जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस समय में देखेंगे कि बहुत सारा ऐसा टाइटल्स था, जैसे कि राजा अधिराज, महाराज अधिराज। पहले के हम टाइम में देखें, मिडिल लेवल इंडिया में देखें तो सम्राट, तो ये सब जितने भी टाइटल्स है, मालिक, तो ये सब क्या है, ये सब टाइटल्स है। तो आर्टिकल 18 आर्टिकल 18 के द्वारा बोला गया कि जो भी उपाधि है, जो भी टाइटल्स हैं, उसका एवोल्यूशन हो, उसका उन्मूलन हो, मतलब कोई भी व्यक्ति इस टाइटल का उपयोग अपने नाम के लिए या हेरिडिटरी वंशानुगत
अपने इस टाइटल का उपयोग नहीं कर सकते। मतलब किसी के फैमिली में मान लीजिए कि कोई महाराज विराज का टाइटल चल रहा है तो उसका बेटा इस टाइटल का यूज नहीं कर सकते। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने नाम के लिए या अपने परिवार के लिए इन सब टाइटल का उपयोग नहीं कर सकता, ये अनुच्छेद 18 में बोला गया। लेकिन कुछ इसका प्रोविजन भी है, मतलब कोई भी व्यक्ति मिलिट्री और अकेडमिक टाइटल्स यूज कर सकता है। अकेडमिक टाइटल्स क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है तो वो अपने नाम के आगे इंजीनियर टाइटल लगा सकता है। यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो वो अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगा सकता है। यदि कोई लॉयर है तो अपने नाम के आगे में लॉयर लगा सकता है। तो कोई भी एकेडमिक टाइटल्स अपने नाम के आगे में लगा सकता है, उससे अबॉलिशन नहीं किया जाएगा। मिलिट्री उपाधि भी धारण कर सकता है। मिलिट्री उपाधि मतलब क्या हो गया कि कोई व्यक्ति यदि कर्नल है तो अपने नाम के आगे में कर्नल लगा सकता है, कोई लेफ्टिनेंट है तो अपने नाम के आगे में लेफ्टिनेंट लगा सकता है। तो यह इस आर्टिकल का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 18 के तहत बोला गया। नेक्स्ट बोला गया, नेक्स्ट है कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन से मतलब विदेशी राज्यों से या मतलब टाइटल ग्रहण नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि मान लीजिए कोई अमेरिका, मतलब मान लीजिए कंट्री अमेरिका है, ठीक है। तो अमेरिका यदि किसी इंडियंस को चाहे कि कोई उपाधि देने के लिए तो यह उपाधि नहीं ले सकता है कोई भी इंडियंस, ठीक है। तो वही कह रहा है कि भारत के नागरिक को किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी उपाधि को स्वीकार करने से रोकता है कौन, आर्टिकल 18। यदि नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि यदि यह आदमी इस तरह का उपाधि यदि कोई व्यक्ति कोई इंडियन व्यक्ति कोई यदि विदेशी उपाधि धारण करना चाहता है तो सबसे पहले उसे कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब सबसे पहले उसे प्रेसिडेंट से भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि कोई इंडियन पीपल है, कोई भारत का नागरिक है, वह यदि किसी विदेशी उपाधि धारण करना चाहता है तो सबसे पहले उसे प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे प्रेसिडेंट से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, और यदि उसे राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है तब वह उस उपाधि को धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी इंडियन सिटीजन कोई भी फॉरेन होल्डिंग ऑफिस, इसका मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट को हम पहले समझ लेते हैं। इस पॉइंट में कह रहा है कि इंडियन नागरिक, जो भी इंडियन नागरिक है वो फॉरेन ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है। फॉरेन ऑफिस का मतलब क्या हो गया कि यदि मान लीजिए कि ब्रिटेन में, ब्रिटेन का गवर्नमेंट यदि किसी भी इंडियन नागरिक को कोई मंत्री पद दे या कोई भी पद दे तो उस पद को इंडियन नागरिक ग्रहण नहीं कर सकता है, उस पदवी को नहीं कर सकता है। सबसे पहले उस पद को ग्रहण करने के लिए उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, ठीक है। नो फॉरेन सिटीजन और फॉरेन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट। मतलब कोई भी व्यक्ति जो विदेशी ट्रस्ट के द्वारा चलाया गया हो, चाहे वो इंडिया में हो चाहे भारत में हो, वो उसके द्वारा प्रेजेंट या इमोल्यूमेंट या कोई भी ऑफिस धारण नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई भी हेरिडेटरी टाइटल्स मतलब जो वंशानुगत टाइटल्स हैं, जैसे महाराज बहादुर राय साहब, दीवान बहादुर, ये सब टाइटल्स ग्रहण नहीं कर सकता है कोई भी वंशानुगत टाइटल्स, इसे बैन कर दिया गया, ठीक है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोला गया कि जो भी नेशनल अवार्ड है यह टाइटल नहीं है और यह व्यक्ति धारण कर सकता है। तो नेशनल अवार्ड कौन कौन हो गया, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो जो 1996 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री यह एक राष्ट्रीय पुरस्कार है और यह व्यक्ति धारण कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि दिस इज नॉट अ टाइटल, यह उपाधि नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या नेशनल अवार्ड उपाधि है कि नहीं है, तो आपको टिक करना है उपाधि नहीं है, ठीक है। दे शुड नॉट बी यूज एज सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है, यदि हम किसी अपने नाम के आगे में कुछ लगाते हैं या पीछे में कुछ लगाते हैं तो उसे हम सफिक्स एंड प्रीफिक्स कहते हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोला गया कि कोई भी मान लीजिए कि ये अवार्डी है, मतलब भारत रत्न से अवार्डी है, तो वह अपने नाम के आगे में नहीं लगा सकता। जैसे एग्जांपल में हम देखें, मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर या प्रणब मुखर्जी क्या है, इन सबको भारत रत्न मिला हुआ है, तो ये अपने नाम के आगे में भारत रत्न नहीं लिख सकता है। मतलब वह अपने नाम को ऐसे नहीं लिख सकता है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न या प्रणब मुखर्जी भारत रत्न, तो अपने नाम के आगे या पीछे इन टाइटल को नहीं लगा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। नेशनल अवार्ड, ये पॉइंट आपको याद रखना है, 3-4 पॉइंट है जो कि इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। नेशनल अवार्ड इंस्टीट्यूटेड किया गया था 1954 में, मतलब नेशनल अवार्ड जो हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार है उसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में, ये याद रखना है। जनता पार्टी मोरारजी देसाई के द्वारा इसे 1977 में कुछ समय के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, मतलब कुछ समय के लिए जनता पार्टी मोरारजी देसाई के द्वारा बंद कर दिया गया था राष्ट्रीय अवार्ड को। फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, जब 1980 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की सरकार बनी तो इस अवार्ड को फिर से चालू कर दिया गया था 1980 में, ये पॉइंट आपको याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यदि वीडियो सही लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। देखिए अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लेक्चर में पढ़ेंगे आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और इससे आगे के जितने भी आर्टिकल्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।